गाइस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रीव्यू देख लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए मोड मेन्यू कैसा है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस एक और नई वीडियो के अंदर एंड बाय लक वी आर बैक विद सेम एनर्जी गाइस। एंड गाइस आज मैं आपके लिए लेके आ गया माइनक्राफ्ट का टूल बॉक्स बोले तो मोड मेन्यू। एंड गाइस दिस मोड मेन्यू इज लिटरली अमेजिंग गाइस। गाइस इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, आप यहां स्क्रॉल और इसको यूज करते करते थक जाओगे लेकिन ऑप्शंस खत्म नहीं होने वाले। एंड इसमें कमांड ऑप्शन भी है जिसमें कि आप कोई भी कमांड एक बार सेट कर दिया ना तो बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एंड गाइस अगर आप क्रिएटिव में बार बार जाकर परेशान हो गया और सर्वाइवल में सब कुछ करना चाहते हो तो ये चीज सिर्फ आपके लिए। वैसे मैं नापतल वालों की तरह क्यों बात कर रहा हूं, आई डोंट नो गाइस। तो गाइस मजाक से साइड हटके गाइस एंड में वीडियो के या फिर बीच में या एंड में एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई है, अगर आपने वो नहीं सुनी ना तो मोड मेन्यू लेने का आपका कोई फायदा नहीं है, तो वो जरूर सुन लेना गाइस। मजाक से हटके बोल रहे जरूर सुन लेना वो। तो चलो यार आपको डाउनलोडिंग प्रोसेस बताता हूं एंड स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ऐसी लिंक देखने को मिल जाएगी, इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद आप पहुंच जाओगे क्रोम ब्राउजर पर या फिर आपके फोन में जो भी ब्राउजर है वहां पहुंच जाओगे। तो आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद नीचे छोटा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट है उस कैप्चा पर क्लिक कर देना है। जैसे आप में टैप कर टिक आ जाएगा उसके नीचे आई एम नॉट रोबोट का जो ग्रीन पोस्टर है ना उस पर क्लिक कर देना, जो भी है पोस्टर जो भी है। एंड उसके बाद यहाँ पर 12 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका स्टार्ट नहीं होता है ना तो नीचे या फिर ऊपर कहीं ना कोई ऐड चल रही होगी, उस ऐड पर क्लिक करो और 10 सेकंड वेट करो और फिर वापस आ जाओ। ओके तो यहाँ पे क्लिक टू वेरीफाई का ऑप्शन आ गया, उसके बाद यहाँ पे लिंक डाउनलोड का भी ऑप्शन आ गया ग्रीन कलर में बोल रहा हूँ मैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद मैं कुछ ऐसी वेबसाइट पर आ जाऊंगा एंड यहाँ पे भी काउंटडाउन मेरा आ गया। अगर आपका यहाँ पे फ्रीज या फिर स्टार्ट नहीं होता तो वही आपको करना है, आपको किसी आसपास या फिर ऊपर नीचे कहीं पे लिंक पे होगी ऐड आ रही होगी वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना ऐड पर फिर बैक आ जाना, बैक आने के बाद काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा एंड मेरा भी फ्रीज भी हो चुका है। एंड गेट लिंक का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप गाइस आ जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो चलो यार गेम के अंदर वापस चलते हैं। ओके गाइस वी आर बैक टू अवर गेम। तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ मोड मेन्यू में कितने ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है, मैं मोटा मोटा आपको समझाने वाला हूँ। तो यस गाइस सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है वो है फ्लाइंग का ऑप्शन। एंड इस फ्लाइंग का ऑप्शन है जिसमें कि आप लिटरली सर्वाइवल में, जैसे कि आप देख सकते हो सर्वाइवल में मैं क्रिएटिव की तरह उड़ रहा हूँ, आपको बिलीव नहीं होता। जैसे कि आपने देखा मैंने हाइट से गिरा और एकदम धड़ाम से डैमेज मिला। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है नो क्लिप्स मोड। नो क्लिप्स मोड में आपका होता कि आप किसी भी बिल्डिंग या फिर ब्लॉक कहीं पर भी जा सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं पर आप जा रहे हो एंड वहाँ पर सफोकेट से आपका डैमेज मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर मेरे को डैमेज मिल रहा है। एंड देन गाइस उसके बाद है यहाँ पे एयर जंप। एंड इसमें थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं, आई मीन एयर जंप नहीं हाई जंप, इसमें थोड़े बहुत स्टेजेस है जैसे कि छोटा सा हाई ज़्यादा सा हाई, मतलब क्या बोल रहा है। ओके तो मैं यहाँ पे फुल में कर देता हूँ एंड अभी मैं जंप कर दूँ तो गाइस देख सकते हो कितना ऊपर जंप कर रहा हूँ। बट यस गाइस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको डैमेज मिल सकता है क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर जाओगे। एंड गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन है भाई इतना कमाल का ऑप्शन है वो है वॉक ऑन वाटर। यस गाइस लिटरली सचमुच में आप लोग पानी के ऊपर चल सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मेरी बातों पर यकीन मत करो, स्क्रीन पर यकीन कर लो गाइस। कितना मतलब यार इससे ना आपकी सर्वाइवल सीरीज बहुत इजी होने वाली है यार, मतलब मजा आने वाला है। ओके जो नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर चल लेते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन है ओके यहाँ पे एक ऑप्शन है एंचेंट। एंचेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके हाथ में कोई वेपन या फिर कोई चीज है उसको आप रीनेम करके उसको फुल एंचेंटमेंट पे ले आ सकते हो, मतलब एकदम मैक्स। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है स्पॉन एक्सपीरियंस ऑर्ब, इसका मतलब होता है सिंपली एक्सपी। आप इस पर जितना ज्यादा टिक करोगे आपकी जो एक्सपी है वो उतना बढ़ेगी। जैसे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे क्लिक करते आ रहा हूँ मेरी सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर 122 एक्सपी हो गई है गाइस। एंड यहाँ पे मैं और क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो क्लिक करता जाता हूँ। एंड अभी मैं इसको उठाता हूँ, स्क्रीन को हटाता हूँ मोड को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 170 की एक्सपी हो गई है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। गाइस अपने फ्रेंड को बुला के उसको चिढ़ा सकते हो फुल। ओके अभी हम आ जाते हैं वर्ल्ड वाले ऑप्शन के अंदर। तो वर्ल्ड वाले ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे चेस्ट ईएसपी एंड प्लेयर ईएसपी। अगर आप मल्टीप्लेयर हो तो प्लेयर ईएसपी पे क्लिक करने के बाद आपके आसपास जो भी प्लेयर है ना, जो भी बंदा है उसकी लाइन या फिर ट्रेस होएगा वो बंदा। ओके गाइस उसके नीचे आता है ट्रेसर। एंड ट्रेसर बहुत ही कमाल की चीज है, उसको ऑन कर देने के बाद ना गाइस आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, जितने भी चीजें, यहां तक कि खाने की चीजें भी, यहां पे लिविंग थिंग्स, मतलब हालांकि वो खाना कोई लिविंग थिंग नहीं होता, वो लिविंग थिंग था
लेकिन उसको फ्राई करने के बाद या फिर बॉयल करने के बाद वो नॉन लिविंग हो गया, तो उसको भी कर देता है ये, मतलब मार्क कर रहा है। एंड यहाँ पे पानी में ही मछलियाँ, उनको ही मार्क कर रखा है आप देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो मॉब का कलर, जैसे कि आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन के बाद जैसे आप देख सकते हो जो ट्रेसिंग लाइन्स है उनका कलर चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे इसका साइज या फिर विड्थ या मोटाई कुछ भी बोलो वो भी कर दे, जैसे कि मैंने बिल्कुल थिन कर दी है, एकदम मस्त हुई, अच्छे दिख रहा है। बट यार ये थोड़ा ना ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है, ऑकवर्ड क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ओके गाइस, उसके बाद जो आता है वो आता है फ्री कैम या जो भी है, तो इससे आप दीवालों के आर पर जा सकते हो, बट आपको कोई डैमेज नहीं होने वाला। दीवालों को ही नहीं, जमीन के नीचे भी जा सकते हो। देखिए देख सकते हो मैं जमीन के नीचे हूँ अभी। ओके मैं कहाँ पे आ गया, ओके ओ गाइस मैं रवीन के अंदर आ गया हूँ। अगर यहाँ पे गड़बड़ होती ना सीधा लावा में जाके मरूंगा, इसलिए मैं चुपचाप ऊपर चल लेता हूँ, मेरे को मरना नहीं है गाइस, तो ऊपर चल लेता हूँ मैं। ओके लेट्स गो, बड़ी मस्त चीज़ है गाइस। एंड गाइस उसके बाद आता है एचपी बार। एंड गाइस ये बड़ी कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसको ऑन करने के बाद ना गाइज आपके आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि शीप्स हॉर्स जितने भी ना, उसके ऊपर उनकी एचपी आ जाएगी। गाइज आप देखो, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे शीप की 8 HP है, मैंने उसको मारा तो 6 हो गई, यहाँ पे दो दो करके घट रही है इनकी। आई डोंट नो इनका कुछ सिस्टम होता होगा, तो मैंने लाइन हटा दी। एंड आप क्लियरली देख सकते हो लिविंग थिंग्स, मतलब क्या बार बार यार साइंस के पीछे घुस रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शीप के ऊपर एक एचपी बार आ गया, मतलब इसको मार दिया तो एचपी बार ऑब्वियसली चला ही जाएगा। एंड घोड़े के ऊपर भी है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है मिनी मैप का ऑप्शन। एंड गाइज ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ऑप्शन है, क्योंकि आपके गेम के कॉर्नर पे यहाँ पे एक मिनी मैप आ जाएगा, जैसे कि सर्वाइवल गेम्स में होती है, पबजी ऐसे ऐसी गेम्स में। एंड इसका आप रेडियस भी ज्यादा कम कर सकते हो, रेडियस का मतलब इसकी जो कवरेज जो चीज है ना, मतलब कितना कवर कर रहा है ये, वो ज्यादा कम कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसका साइज भी ज्यादा कम कर सकते हो, जैसे मैं फुल कर देता हूँ एंड ये फुल हो गया, अगर इसको कम कर देता हूँ तो कम हो गया। यस गाइज, एंड ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट एंड लाइव है, मतलब यहाँ पे आप एक बकेट वाटर गिरा देते हो तो आपके मैप में दिखने लग जाएगा। एंड गाइस यही था ये ऑप्शन, मोटा मोटा आपको मैंने एक्सप्लेन करा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे कमांड का ऑप्शन है, कमांड के ऑप्शन में आपको जो भी कमांड लगाने होते हैं एक बार टाइप करो, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस एडिट करो उस पर टाइप करो एंड बूम गाइस, जो भी आप करना चाहते हो वो आपका मोड एकदम लग जाएगा। तो आई थिंक वीडियो को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। मैं आपको फिर ज़रा बता दे रहा हूँ कि मैंने मोटा मोटा एक्सप्लेन करा है, ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं करे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर रही है। तो गाइस अब आ जाते हैं सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए एंड आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो मोड है वो सिर्फ और सिर्फ 1.17.41 का है ये मोड, माइनक्राफ्ट के इस वर्जन का ये मोड है। एंड ये 1.18 का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं है गाइज, क्योंकि अभी तक वो बना नहीं है, जैसे बन जाएगा तो मैं वीडियो तो पक्का लाऊंगा गाइज। तो गाइज आई थिंक वीडियो को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ पे जाओ टैप करो डाउनलोड करो। एंड गाइज वीडियो को लाइक कर देना यार, प्लीज़ यार आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है, लाइक करो चैनल पे ना जो सब्सक्राइब करो एंड गाइज शेयर भी कर देना, कमेंट करो गाइज एंड बाय बाय।